ठीक है शोर नहीं करना भाई। सदन के बाद सुचारू रूप से चले सर, किस तरह जो है विपक्ष मुद्दों को उठाए गए सदन के? देखिए इस सरकार का चौथा बजट सत्र आ रहा है और ये ऊंची दुकान फीका पकवान घोषणाओं की सरकार है। लगातार इस दफा भी बजट आएगा, बड़े लंबे लंबे दावे और लच्छेदार घोषणाएं सरकार करती है और उससे पहले सरकार पिछले 3 साल 3 बार का बजट भी उठा के देख ले कि उन्होंने क्या कहा था जनता के लिए और उस पर क्या किया है। तो सरकार डिलीवरी के फ्रंट पे जो है पूरी तरह नाकाम है, घोषणाओं के फ्रंट पे पूरी तरह कामयाब है। घोषणाएं जो है लगातार एक से एक नाम सुनहरे नाम जो है वो योजनाओं के हर बार 50-60-70 योजनाएं घोषित, और अब तो मुझे लगता है कि इनको खुद भी उन योजनाओं के नाम याद नहीं रहे होंगे कि इन्होंने पहले में क्या घोषित की थी, दूसरे में क्या की थी, तीसरे में क्या की थी। कोई उनके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम नहीं, कोई उनके बजट का प्रावधान नहीं। तो इसलिए यहाँ तक ये बजट सत्र है। आपने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से आग्रह आया है कि सत्र को चलाया जाए। पहले तो ये है कि सत्र को संक्षिप्त कर दिया गया। बजट सत्र सबसे अहम सत्र होता है और जो है सत्र जो है विपक्ष का एक अधिकार है, लेकिन इस सत्र को भी इस 17 सीटिंग तक सीमित कर दिया गया। पहले एक सत्र किया नहीं, तो ये सरकार सत्र से भागती रहती है लगातार। जितना संक्षिप्त किया जाए, एक नई संस्कृति, एक नया कल्चर हिमाचल प्रदेश में डेवलप हो रहा है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था कि सत्र से भाग जाएं, सत्र को संक्षिप्त करें। ये कुछ राज्यों में होता होगा लेकिन हिमाचल में नहीं था। ये नई कवायद शुरू हुई है कि सीटिंग्स को कंटेल किया जाए। और आप देख रहे हैं कि बजट सत्र में 3 चीज़ें बड़ी अहम होती है। एक तो गवर्नर एड्रेस पे चर्चा, दूसरा बजट प्रेजेंटेशन ऑफ बजट और बजट पे चर्चा, और तीसरा डिमांड्स पे चर्चा। और डिमांड्स के पहले जो छुट्टियां वगैरह होती थी वो सारी उड़ा दी गई कि स्टडी करना होता था, सब कुछ करना, सब कुछ हश हश मैनर में जो है बजट किया जा रहा है कि कितनी जल्दी इसको ख़त्म किया जा सके और वो किया जाए। हालांकि दुहाई दी गई है, आज सर्वदलीय मीटिंग में ये बात रखी गई कि जी नगर निगमों के चुनाव आ रहे हैं, दूसरे काम है, इसलिए जो ऐसा किया जा रहा है। लेकिन विधानसभा की अपनी सेंटिटी है, अपना विधानसभा का अपना एजेंडा रहता है, लेकिन ये संकेत मिल गए हैं कि पिछले 2 दफ़ा भी पूरी सीटिंग्स नहीं हुई और अब 4th ईयर में प्रवेश कर गए हैं। तो बाकी यहाँ तक सत्र का सवाल है, एक बात स्पष्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू अब्लाइज स्टेट गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट। हम अपनी बात रखेंगे, पूरे दम से रखेंगे, पूरे डंके से रखेंगे और रखने देंगे तब भी रखेंगे, नहीं रखने देंगे तब भी रखेंगे है? तो ये बात हम स्पष्ट कर देते हैं। इश्यूज क्या रहेंगे सब? और जहाँ तक इश्यूज का सवाल है, कुछ इश्यूज तो ने जो है प्रदेश को बदहाली की तरफ झोंक दिया है। ख़ास तौर पे महंगाई जो है पूरे आसमान को छू रही है और प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पेट्रोल के दाम अब तो 100 रुपये के आसपास पहुंचने लगे हैं। ये वही लोग हैं
जो कि हाहाकार मचाते थे, पेट्रोल के दाम पे, डीजल के दाम पे, गैस के दाम आप देख रहे हो कि कहाँ पर कहाँ पे पहुँच गए हैं। सिलेंडर जो है 900 रुपये का होने जा रहा है, ये एक एक मुफ्त सिलेंडर की चर्चा करते थे इन, और सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँचा दिए, इससे अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या क्या स्थिति आम आदमी की हुई है।